लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक जापानीज लैंग्वेज को सीखेंगे, लेकिन सारे ही सारे जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि दोकाई यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, चोकाई यानी कि लिसनिंग, मोजिगोई यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है जिसमें कांजी, हिरागाना, काताकाना सब कुछ आता है और उनके मीनिंग क्या होते हैं, उसकी पढ़ाई किस तरह से करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को जेएलपीटी के सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करके किस तरह से पढ़ा जाता है। हालांकि ये तो बेसिक जापानीज का वीडियो है, लेकिन जो एडवांस के स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक जापानीज आती भी है, वो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं साथ साथ आपको याद करने के भी तरीके, जापानीज को तेज़ी से पढ़ने के भी तरीके साथ साथ बताता जाऊँगा। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। हम अब सीखने वाले हैं बेसिक जापानीज, जिसमें पूरा मैं पूरे सेक्शंस को कवर करके आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ। देखिए, जापानीज लैंग्वेज में सेक्शंस के तौर पे जापानीज़ को पढ़ने की क्यों इम्पोर्टेंस है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। पहली बात तो ये फास्ट होता है, और दूसरी बात कि आपको JLPT यानी जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी इससे हेल्प मिलती है, इस तरीके से पढ़ने से हेल्प मिलती है। क्योंकि जो बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं वो जैसे हिरागाना, काताकाना, कांजी, इनको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो JLPT जब देखने जाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, ये दोकाई, कॉम्प्रिहेंशन, चोकाई यानी लिसनिंग, ये सब भी होता है। तो उन सब चीज़ों को पहले से ही ट्रेनिंग लेके हमें जापानीज़ लैंग्वेज को कवर करना है, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सभी सेक्शंस से एक पूरा एक कोर्स पार्ट वन की तरह सिखाना चाहता हूँ। इसके बाद पार्ट टू, पार्ट थ्री, धीरे धीरे जापानीज़ लैंग्वेज और एडवांस होती जाएगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस वीडियो में हम क्या करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक दोकाई है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। इसके बाद हम ग्रामर, जो कि N5 की ग्रामर है, मायनी, नो मायनी, इन पैटर्न्स को सीखेंगे। इसके बाद वोकेबलरी, मोजिगोई, इसको सीखने का क्या तरीका होता है, इसको तेज़ी से याद करने का क्या तरीका होता है, मेरी पूरी कोशिश है बताने की। उसके बाद हम सीखेंगे जापानीज लैंग्वेज कल्चरल चीज़ें थोड़ी बहुत, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, ये देख मतलब आपको ये सीखने को मिलेगा कि जापानीज लैंग्वेज जो है वो कल्चर से काफ़ी मिलती जुलती है। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं आपको, तो जापान की नॉलेज को भी साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और फाइनली हम करेंगे एक चोकाई, जिसमें आपको पहले इस क्वेश्चन को जापानीज में सुन के खुद सॉल्व करना होगा, अपना एक आंसर निकालिए, 2, 3, 4 या एक, कोई सा भी एक आंसर निकालिए, और उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा कि इसका आंसर ये वाला क्यों है और बाकी सब गलत क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि किसी भी वोकेबलरी को, किसी भी पैटर्न को या किसी भी ग्रामर के कंपोनेंट को याद करने के लिए, समझने के लिए दोकाई सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद आप उल्टा तरीका यानी कि वोकेबलरी वगैरह पर जाएं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होन नो कारिकाता, जिन लोगों ने जापानीज़ लैंग्वेज थोड़ी सी बेसिक सीखी हुई है उनको पता होगा कि होन क्या होती है। होन मतलब बुक, और कारिकाता ये भी एक तरह का ग्रामर का पैटर्न है। काता लगता है मास हटा के, यानी कि मास वर्ब की मास फॉर्म को, मास को हटा के काता लगाया, तो इसका मतलब होता है वे ऑफ, यानी कि उसका तरीका। और कारी मास का मतलब होता है बोरो करना, यानी कि आपने अगर लाइब्रेरी या फिर कहीं से बुक इशू करवाई है तो उसको इशू कराने का क्या तरीका है, ये इस दोकाई में समझाया गया है। और 1, 2, 3, 4 इनमें से आपको एक आंसर निकालना होगा। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके एक बार खुद रीड करके कोशिश करिए, चाहे नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, एक आंसर निकालिए, और उसके बाद उस दोबारा से उस वीडियो को रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। तो चलिए, मैं बिलीव करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और एक आंसर निकाला होगा। तो चलिए अब देखते हैं। उकेट्स के दे का दो कुत्ते कुदासाई, उकेट्स के का मतलब होता है रिसेप्शन, और स्कुत्ते का मतलब होता है बनाना, स्कूरी मास मतलब बनाना, स्कुत्ते कुदासाई मतलब प्लीज़ बनवाइए। तो ये अराउंड थोड़ा सा जैसे लगभग 7-8 क्लासेस या 10 क्लासेस के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ते फॉर्म क्या होती है, कुदासाई लगता है तो इसका मतलब होता है प्लीज़, तो प्लीज़ आप कार्ड बनवाइए पहले रिसेप्शन पर। उकेट्स के ए होन ओ मोत्ते किते, फिर रिसेप्शन पर होन यानी बुक को मोत्ते किते, मोत्ते मतलब मोची मास यानी कि उठा कर लाना, किते किते मतलब लाना, मोत्ते किते मतलब उठा कर लाइए। का दो मिसेते कुदासाई, मिमास होता है देखना और मिसेते होता है दिखाना, तो दिखाइए कार्ड को, दिखाइए। होन वा निशुकान कारीरु कोतो का देखी मास, तो अभी तो सिंपल प्रोसेस चल रहा था, अब एक कंडीशन आ गई है, होन वा निशुकान यानी कि 2 हफ्ते कारीरु कोतो का देखी मास, यानी कि आप इसको 2 हफ्ते तक कारीरु यानी इशू या बोरो कर सकते हैं, कोतो का देखी मास मतलब यू कैन डू इट। जिशो तो शिम्बुन तो आताराशी जाशीवा, तो का मतलब होता है एंड, और जिशो मतलब डिक्शनरी,
शिम्बुन मतलब न्यूज़पेपर, जिनको ये वोकैब नहीं आती उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वोकैब को सीखने का यही तरीका होता है कि एक पूरे सेंटेंस में अगर आप उसको फिट करके सीखते हैं, और इस सेंटेंस को जैसे कि ये 4-5 सेंटेंस का बंडल है तो इसको ही बार बार 3 बार 4 बार 5 बार रीड करिए, अपने मुँह से खुद बोलिए, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा जिशो क्या होता है, शिम्बुन क्या होता है, मिसेते, स्कुत्ते, उकेत्सुके, इन सब के मीनिंग बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज़ी से आपको याद हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप एक लिस्ट जो पूरी एक लिस्ट दी हुई है उसको रीड कर रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं है तो उसका यूजेज भी नहीं है, खाली इंग्लिश मीनिंग है तो वो याद बहुत मुश्किल से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिशो तो, शिम्बुन तो, अताराशी जाशीवा, अताराशी मतलब न्यू, ये हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया होता है। जाशी का मतलब होता है मैगजीन, व कारीरु कोतो का देकी मासेन। तो देखिए अपने आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कोतो का देकी मास मतलब यू कैन, अब आ गया है कोतो का देकी मासेन यानी कि यू कैन नॉट। तो ये जितनी भी तीन चीज़ें दी हुई हैं, जिशो यानी डिक्शनरी, शिम्बुन मतलब न्यूज़पेपर, और न्यू मैगजीन्स जाशी मतलब मैगजीन, तो नई मैगजीन और न्यूज़पेपर और डिक्शनरी वगैरह आप कारीरु यानी बोरो नहीं कर सकते, यानी कि इनके अलावा जो बुक्स हैं वो आप इस लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आ गया है। मोंदाई, मोंदाई मतलब क्वेश्चन, तादाशी मोनो वा नानदेस का, तादाशी मतलब करेक्ट, मोनो मतलब थिंग या यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन, वा नानदेस का, मोनो कभी भी आए तो उसका मतलब वही चीज़ होता है जिसकी भी बात हो रही है, तो नीचे जो चार चीज़ें हैं वो चार ऑप्शंस हैं, इसलिए हम इसको ऑप्शन भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि सही ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट, होन ओ कारीरु माइनी, माइनी एक पैटर्न होता है, इसका मतलब होता है के पहले, ये अभी थोड़ी देर में ही हम इस वीडियो में आगे हम सीखेंगे। तो होन ओ कारीरु माइनी यानी कि बुक को कारीरु यानी कि इशू करना, और माइनी मतलब पहले, तो इशू करने से पहले उकेत्स के दे कादो स्कुरा ना केरेबा नारी मासेन, ये भी एक तरह का पैटर्न है, स्कुरा ना केरेबा नारी मासेन, इसका मतलब है कि यू हैव टू, ना केरेबा नारी मासेन अलग से आप याद कर सकते हैं, यू हैव टू आपको करना पड़ेगा, और इससे पहले जो भी वर्ब लगी हुई है यानी कि वो वर्ब आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे स्कुरी मास लगा हुआ है तो स्कुरा ना केरेबा नारी मासेन यानी कि आपको बनवाना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग निकला कि बुक को इशू करने से पहले रिसेप्शन पर कार्ड को बनवाना पड़ेगा। तो अभी तक तो यही सही लग रहा है क्योंकि सबसे पहले ही लिखा है उन्होंने कादो कुत्ते कुदासाई, कार्ड बनवाइए, तो देखते हैं अगर बाकी सब में गलती मिल गई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में हमें गलती मिल गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर फर्स्ट सही है। सेकंड ऑप्शन है इशुकान माइनी, ऊपर था निशुकान और यहाँ पर है इशुकान यानी कि एक हफ्ता, माइनी जैसे मैंने भी आपको बताया पहले, यानी कि इशुकान माइनी एक हफ्ता पहले होन ओ कारीमाशिता कारा, किताब को मैंने बोरो किया था, कारीमाशिता हो गया यानी कि पास्ट फॉर्म है, कारा मतलब इसलिए, यानी कि एक हफ्ता पहले बुक को बोरो किया, इसलिए क्यों काए साना केरेबा नारीमासेन, इसलिए आज, क्यों मतलब आज, काए शिमास, देखिए कारीमास होता है बोरो करना और काएशिमास होता है वापस करना, लेकिन याद करने का क्या तरीका है, डायरेक्शन के हिसाब से सोचिए, कारीमास का मतलब है उस डायरेक्शन से मेरी तरफ कुछ आ रहा है और काएशिमास का मतलब है मेरी डायरेक्शन से उस तरफ कुछ जा रहा है, तो काएसाना केरेबा नारीमासेन मतलब मुझे वापस करनी पड़ेगी, यानी कि बुक आज मुझे वापस करनी पड़ेगी, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है निशुकान कारीरु कोतो का देकी मास यानी कि आप दो हफ्ते तक इसको बोरो कर सकते हैं, और यहाँ लिखा है कि एक हफ्ते पहले मैंने बोरो की थी तो आज मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए गलत है। अब देखते हैं थर्ड में क्या गलती है, आताराशी जाशी ओ कारीरु कोतो का देकी मास, जबकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है आताराशी जाशी वा कारीरु कोतो का देकी मासेन, यानी कि न्यू मैगजीन आप बोरो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकला, न्यू मैगजीन को कारीरु यानी बोरो करना कोतो का देकी मास आप कर सकते हैं, तो ये भी हो गई ऑप्शन रॉन्ग। अब देखते हैं फोर्थ में क्या गलती है, शिम्बुन ओ मोत्ते कायतेमो इदिस, अब जैसे कि यहाँ पर हमने सीखा था मोत्ते किते, हाँ जी ये रहा मोत्ते किते, मोची मास मतलब टू होल्ड यानी पकड़ना लेना हैव, और किमास का मतलब होता है आना, तो इसी तरह से मोत्ते कायते का मतलब हो गया लेके वापस जाना, कायते का मतलब होता है जैसे आप घर वापस चले गए, अपने देश वापस चले गए, तो इसको कायरी मास बोलते हैं, तो मोत्ते कायते, और ते मो भी एक पैटर्न है, इसका मतलब है होने पर भी, जैसे हमने मो बहुत ही स्टार्टिंग में सीखा है इसका मतलब होता है भी, तो इस तरह से हिंदी से आप रिलेट करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, मतलब मैं बताना भूल गया कि हमेशा हिंदी से इसको रिलेट करिए, इंग्लिश का स्ट्रक्चर वर्ड्स
ग्रामर सब कुछ अलग होता है, कुछ भी मैच नहीं करता, इसलिए इंग्लिश से सीखना बहुत मुश्किल है। हिंदी से अगर आप सीखेंगे तो वर्ड्स भी मैच करते हैं, ग्रामर भी मैच करती है, उसको जोड़ने का तरीका भी मैच करता है। जैसे कि कायते मो, मोते कायते, ले के जाने पर भी, और ई दिस मतलब गुड, यानी कि आप लेके भी वापस लेके भी जा सकते हैं, इसको अपने साथ भी वापस लेके जा सकते हैं। शिम्बुन ओ यानी कि न्यूज़पेपर को अपने साथ भी लेके आप वापस जा सकते हैं। तो ये भी साफ साफ हमें पता चल गया गलत है, क्योंकि पहली बात तो इसको इशू ही नहीं करा सकते, तो लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें पता चल गया आंसर है वन। और जैसे देख लीजिए, देखिए मान लीजिए आपने दोकाई कहीं से सीखी है, चाहे आपने यूट्यूब से सीखी है या क्लास में जाके सीखी है या फिर हमारी जो वेबसाइट है nihongomax.com वहाँ से सीखी है, वहाँ पर भी मैंने इसी तरह से समझाया हुआ है, एक एक सैम्पल देके हिंदी में समझाया हुआ है, चाहे आपने कहीं से भी सीखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक बार अगर उसको सुन लिया है तो उसको अपने आप कम से कम दो बार, तीन बार, चार बार दोबारा रिवाइज़ करिए, बिल्कुल सेम सेम चीज़ें अपने आप भी सोचिए, अपने आप भी निकालिए, तो आपको वोकेबलरी भी याद होगी, ग्रामर भी याद होगी, और साथ के साथ दोकाई को निकालने का तरीका भी पता चलेगा, कॉम्प्रिहेंशन को बहुत तेज़ी से सॉल्व करने का की प्रैक्टिस भी होगी। इसमें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं जब भी उनसे पूछो कि बताओ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो बोलेंगे वर्ड्स, कांजी, मीनिंग आना चाहिए। ऑब्वियसली वो आना चाहिए, लेकिन जो असली चीज़ें जो फेल कर देती है बच्चों को दोकाई में, वो है स्पीड, यानी कि ट्रेनिंग। तो स्पीड बनाने के लिए इसको कम से कम दो बार, तीन बार खुद भी सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसको हम कहते हैं बुम्पो यानी कि ग्रामर। देखिए बहुत ही सिंपल ग्रामर यहाँ पर मतलब सिंपली समझाई हुई है, मायनी, और उससे पहले लिखो है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, यानी कि प्लेन फॉर्म, जो रू फॉर्म होती है प्लेन फॉर्म, या जो आपने सीखा हुआ है जैसे काकी मास का काकू, इकी मास का इकू, ताबे मास का ताबेरू, तो इसको प्लेन फॉर्म कहते हैं। और सीधा सीधा उसके बाद आपको मायनी लगा देना है, तो इसका मतलब बन जाएगा बिफोर। इट इंडिकेट्स दैट द सेकेंड वर्ब ऑकर्स बिफोर फर्स्ट वर्ब, यानी कि अगली वर्ब से पहले एक फर्स्ट वर्ब आ रही है, यानी कि यहाँ पे वर्ब वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्ब पहले होगी। द फर्स्ट वर्ब इज़ ऑलवेज इन डिक्शनरी फॉर्म, तो हमेशा डिक्शनरी फॉर्म के साथ अटैच होगी। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। निहोन ए कुरु मायनी, तो की मास मतलब आना, और कुरु इसकी प्लेन फॉर्म है। इसके बाद हमने मायनी लगा दिया, यानी जापान आने से पहले। निहोंगो बैंक्यो शिमाश्ता, जापानीज लैंग्वेज को मैंने पढ़ाई करी। सो आई स्टडीड जापानीज बिफोर आई केम टू जापान। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेरू मायनी, नेमास का मतलब होता है सोना, इसकी प्लेन फॉर्म होती है नेरू। नेरू मायनी यानी कि सोने से पहले, होन ओ योमीमास, मैं किताब को पढ़ता हूँ। होन ओ काऊ मायनी, काई मास का मतलब होता है परचेज करना, बाई करना, और होन ओ काऊ मायनी का मतलब हो गया किताब को खरीदने से पहले। निदान ओ मीमास, निदान का मतलब होता है प्राइस, और मीमास मतलब देखना। तो अब अगर जिन्होंने बिल्कुल जापानीज अभी स्टार्ट ही करिए सीखनी, वो ये सोच रहे होंगे कि इतना सब याद कैसे होगा, याद कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ प्रैक्टिस की बात होती है, इसको बस रिपीट करना होता है। आप कुछ भी याद नहीं कर सकते कि मुझे ऐसे खरीदने से पहले का मतलब होता है काऊ माए नहीं, तो उसको बार बार बोलिए तो ही ये याद होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब भी बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, सिमिलर ही वर्ब है, सॉरी सिमिलर ही पैटर्न है, लेकिन इसमें नो क्यों लगा, क्योंकि नाउन है। तो नाउन जब भी होगी, वर्ब और नाउन में क्या फ़र्क होता है मैं फटाफट से बताता हूँ, आपको पता होगा कि नाउन होता है कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई फैक्ट या कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, ठीक है। और वर्ब होता है कोई क्रिया, यानी कि कोई काम, हम कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमेशा मतलब रूल्स में ना रह के आप सोचिए, कोई भी चीज़ होगी तो उसके आगे आएगा नो मायनी, और अगर कोई वर्ब होगी तो वो भी एक तरह से जब प्लेन फॉर्म बनती है तो वो भी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, हल्का हल्का इस तरह से सोचिए, और उसके बाद मायनी लगेगा। तो देखते हैं, व्हेन मायनी कम्स आफ्टर अ नाउन, जब भी मायनी आएगा नाउन के बाद, तो पार्टिकल नो इज़ पुट बिटवीन दी नाउन एंड मायनी, ठीक है। तो हमें पार्टिकल डालना है, शोकुजी नो मायनी, क्योंकि शोकुजी अपने आप में एक नाउन है, मतलब इसका मतलब होता है मील, खाना, खाने से पहले ते और आईमास, यानी कि मील से पहले ते, यानी कि हाथों को, आईमास मतलब धोना, तो मैं हाथों को धोता हूँ। शिकेन नो मायनी, शिकेन भी एक एग्ज़ाम यानी कि एक नाउन है, नो मायनी यानी कि एग्ज़ाम से पहले, योकू बेंक्योशिमास, योकू का मतलब होता है अच्छी तरह से, योकू के दो मतलब होते हैं, एक तो ऑफन और एक अच्छी तरह से, तो यहाँ पर मतलब है अच्छी तरह से, बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास का मतलब है पढ़ाई करना। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तनाका साम वा इचिजिकान मायनी देखा के माश्ता,
तनाका-सान जो है वो इचिजिकान यानी कि एक घंटा पहले देकाके माश्ता का मतलब है निकल गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एज यू कैन सी इन द अबव सेंटेंस नो पार्टिकल इज नॉट यूज इन केस ऑफ टाइम। तो इचिजिकान जो है एक नाउन है, लेकिन फिर भी इससे पहले नो पार्टिकल क्यों यूज़ नहीं हुआ है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज मैथमेटिक्स नहीं होता और ये सब साथ साथ आपको याद करना पड़ता है। अब जब भी ये चीज़ होती है कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ और बोलता हूँ कि ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर इतना सारा पहले याद करना है उसके बाद हम, क्योंकि तो ये गलत क्यों है ऐसी सोच, क्योंकि पहली बात आपको याद कुछ भी नहीं करना है। अगर आप रूल्स भी सुन रहे हैं तो भी उनको याद नहीं करना, एक्सेप्शन सुन रहे हैं तो भी उसको याद नहीं करना, आपको उनकी बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। ना ही आप रूल को सोच के जापनीज बोल सकते हैं और ना ही आप एक्सेप्शंस को याद करके प्रैक्टिस मतलब जापनीज बोल सकते हैं। तो आपको बार बार बोल के ही इन तीन सेंटेंस को या जितने भी है वीडियो को पॉज करके बार बार अपने मुंह से बोलिए, यहीं के यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोजिगो यानी कि वोकेबलरी की। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इतनी सारी कांजी हम कैसे करें, इस पर मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। मैंने पहले सबसे पहले यही बताया कि जैसे ये इतनी सारी कांजी हैं तो इनको बच्चे लिख लिख के याद करते हैं और लिखने के चक्कर में वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और इससे उनको फीलिंग आती है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, यानी कि मैंने बहुत कवर कर लिया जापनीज़ लैंग्वेज और अब मैं तैयार हूँ। और जब एग्ज़ाम होता है तो देखते हैं कि सिर्फ 10% या 5% ही मेरी मेहनत काम आई है, जो कि कांजी की रीडिंग और मीनिंग मैंने याद करा था, बाकी सब तो बहुत तेज़ रीडिंग और सुनने की प्रैक्टिस और कल्चरल चीज़ें ये सब पता होनी चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो पहली बात तो कि सारा फोकस आपको कांजी पर नहीं करना है। दूसरी बात कि कांजी को अब शॉर्ट टाइम में, छोटे से समय में किस तरह से हम तेज़ी से याद करें, तो वो भी मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कांजी को पहले रिकॉग्नाइज करना है और उसको बोलना है बस। जैसे कि आप लिखना कुछ भी नहीं है, मान लीजिए पहली कांजी है गाई कोकू, तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, देखना है, आप इतना पता लगा सकते हैं हाँ ठीक है ये सो तो है, ये कुनी है, और जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो सो तो बन जाता है गाई और कुनी बन जाता है कोकू, तो ये गाई कोकू बन गया। जैसे कि लेफ्ट में आप देखिए सोतो और गाई, तो ये सोतो और गाई दो रीडिंग क्या हैं, सोतो होता है एक कांजी की एक जापनीज़ रीडिंग होती है और एक चाइनीज़ रीडिंग होती है, लेकिन मतलब कुनियोमी और ओनियोमी होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये भी कैसे रूल याद होगा, तो ये भी याद नहीं करना आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना याद रख सकते हैं कि भाई इसकी इंडिविजुअल रीडिंग ये है, जैसे अगर कुनियोमी कहूँ या जापनीज़ रीडिंग कहूँ तो सिंपल, वो भी मत सोचिए, आप सोचिए कि ये इसकी सेपरेट इंडिविजुअल रीडिंग है, यानी कि अगर ये कांजी कहीं पर भी अलग से आ गई तो इसकी रीडिंग सोतो होगी और इसका मीनिंग होगा आउटसाइड, क्योंकि मीनिंग चाहे कॉम्बिनेशन में हो चाहे अलग से, इसका मीनिंग आउटसाइड ही रहेगा। और कुनी के बारे में भी इसी तरह से आप सोचिए कि इसकी दूसरी रीडिंग होती है कुनी, और मतलब जो ओरिजिनल रीडिंग है वो कुनी है, और जब जुड़ जाए यानी कि कॉम्बिनेशन रीडिंग, तो इस तरह से सोचिए इंडिविजुअल और कॉम्बिनेशन, बस इस तरह से सोचिए। कभी भी ये नहीं पूछा जाता कहीं किसी भी मतलब JLPT में कभी नहीं पूछा जाता कि ओनियोमी कुनियोमी बताइए, ये सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में जब बात करते हैं या फिर जब आपको बहुत डिटेल में जाना हो, कोई थीसिस वगैरह लिखना हो, तो उन सब में काम आता है। फिलहाल आप जापनीज़ लैंग्वेज को पहले सीख लीजिए, डिटेल्स जो हैं वो बाद में अपने आप कवर हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने भी आपको बताई है। तो इस तरह से आप सारी ही वोकेबलरी को बार बार रीड करिए और अपने मुँह से बोलिए, कम से कम जैसे एक लिस्ट है मैंने आपको बताया लिस्ट के तौर पर और दोकाई के तौर पर, तो जब भी आप कोई भी तरीका फॉलो कर रहे हो तो पहली बात तो लिस्ट का तरीका जो है वो उतना अच्छा नहीं है दोकाई का है, दूसरी बात कि अगर आप लिस्ट के तौर पर भी कर रहे हैं तो भी आप दोकाई वाले तरीके से ही करिए, यानी कि आप इसको रीड करिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे इसको अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि फिर से इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसको बोलिए गायको को हिदारी और कांजी को देखिए हिदारी ते मिगी मिगी ते, और मीनिंग भी देख सकते हैं, बोलना आपको ये हिरागाना है देखनी कांजी है और इसका मीनिंग भी देखना है और उसको बोलना नहीं है, उसको बस याद करना है। इंग्लिश कुछ भी मत बोलिए, आज से ही जब भी आप जापनीज़ की पढ़ाई करें तो कोशिश करिए कि सब कुछ सिर्फ जापनीज़ में ही बोलना है और मीनिंग सिर्फ दिमाग में होना चाहिए। चलिए तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कल्चरल नॉलेज। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, ऑल दो यू डो नॉट नीड टू बिकम अ वर्ल्ड परफेक्ट जापनीज स्पीकर, मैनी जापनीज पीपल रियली डू अप्रिशिएट फॉरनर्स हु मेक द एफर्ट टू लर्न एटलीस्ट अ फ्यू जापनीज वर्ड एंड बिजनेस फ्रेजेस। इसका मतलब है कि बहुत तगड़ी बहुत अच्छी एकदम नेटिव जापनीज़ होने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शुरू शुरू में आप थोड़ी बहुत जापनीज़ से भी काम चला सकते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप जापान में पढ़ रहे हैं, जापान में काम करना चाहते हैं या फिर
इंडिया में अच्छी पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अच्छी जापनीज आनी चाहिए. वेरी ऑफन इट विल बी वंडरफुल आइस ब्रेकर एंड हेल्प विल मच स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशंस. यानी कि अगर आपको कस्टमर रिलेशंस बनाना है, यानी कि अब बात हो गई है वर्क की, तो इसमें बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. इसमें बड़ी बड़ी कांजी जो है कभी भी आपको अच्छी स्पोकन लैंग्वेज नहीं सिखाएंगी. इसमें बहुत ही सिंपल फ्रेजेस जो हैं लेकिन उनकी तेज़ प्रैक्टिस, ये आपको बहुत अच्छी जैपनीज सुनने में और कॉन्वर्जेशन में काम आएगा. कोई भी अगर आपने बेसिक भी, जैसे मान लीजिए अगर N5 की बात करें तो योरिश्को नेगा शिमास, ओहायो गोजाइमास, ओगेंकी देस्का, ओसेवा निनाते ओरिमास, क्योवा ओदेका के देस्का, इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन हैं, शुरू शुरू में ही हम सीख लेते हैं. मोशी मोशी, ओकारी नसाई, तदाइमा, ये बोलने आने चाहिए. इनको एक बार सुन के याद कर लेना, उसका इंग्लिश मीनिंग याद कर लेना ज़रूरी नहीं है, उसको बार बार बोलना ज़रूरी है. इफ़ यू आर एबल टू मेक अ पोलाइट ग्रीटिंग और टू इन जैपनीज, ठीक है, तो अगर आपने थोड़े पोलाइट ग्रीटिंग्स करने सीख लिए जैपनीज़ के, बताने के लिए तो बहुत कुछ है. इसमें गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, बट मेरी कोशिश है कि हर वीडियो में, अब से हर पार्ट में, एक ऐसी चीज़ जो कि जापनीज़ लैंग्वेज में बहुत आपको काम आएगी, ये मैं बताना चाहता हूँ. सो इफ़ यू आर नॉट सो फॉर्चुनेट विद लिंग्विस्टिक्स, देन ट्राई हाउ फार यू शुड गो लर्निंग बिजनेस जापनीज़. तो अगर मतलब वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि बिजनेस जापनीज़ का ये मतलब नहीं है कि पूरी 100% जापनीज़ मुझे आ गई और मैं बिल्कुल नेटिव की तरह बिजनेस से बात कर रहा हूँ. उसका आधे पे भी आप बड़े आराम से काम चला सकते हैं, उसके आधे के आधे से भी लोग काम चला रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो जापान हो. रेक ऑन वट फ्रेजेज आर मोस्ट ऑफ वैल्यू व्हेन यू शुड यूज़ दोज फ्रेज. देखिए इसका मतलब है कि रेकॉन का मतलब आप अपने आप एस्टिमेट लगाइए, अपने आप सोचिए कि आप किस तरह का काम या किस तरह की कॉन्वर्जेशन आप जापनीज से करने वाले हैं, करना चाहते हैं, और आपके लिए कौन से फ्रेजेस मोस्ट वैल्यू के हैं. शुरू शुरू में तो आपको सारे ही फ्रेजेस याद रखने होंगे, मतलब सभी काम के होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अनएंडिंग है. अगर N5 में मुझे 20 फ्रेज याद रखने पड़ रहे हैं तो N1 तक जाते जाते तो 100-200 याद रखने पड़ेंगे. जी नहीं, ऐसा नहीं है. स्टार्टिंग के सिर्फ मैं कहूँगा 25-30 ही काम आते हैं, अगर आप चाहे बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ है फिलहाल इस वीडियो में, हम आगे बढ़ते हैं. अब बात आ गई है चोकाई की. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चोकाई को आपको बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनना है और उसके बाद एक आंसर निकालना है और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. ओतोको नो हितो तो ओन्ना नो हितो गा हनाशिते इमासु. ओतोको नो हितो वा दोउ शिमासु का? आ, आमे गा फुत्ते किमाशिता यो. ए, आमे देसु का? कोमत्ता ना. 傘が…私も傘がないんです。どうしますか？タクシーで帰ります。一緒に帰りますか？そうですね。私はバスがあるから、バスで帰ります。そうですか。では失礼します。男の人はどうしますか？男の人と女の人が話しています。So, hi guys, welcome to your first listening question. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीख लीजिएगा आप कि फॉर्मेट क्या है, कि पहले आपको क्वेश्चन खुद सुन के सॉल्व करना है, चाहे जितना भी समझ आए, एक ऑप्शन चूज करनी है और फिर उसकी ये जो लिसनिंग ट्रैक है, जो इसका आंसर है वो सुनना है और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुननी है. बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस लगेंगे आपको कि बहुत जल्दी जल्दी बोला गया है या फिर ये चीज़ हमने अभी सीखी नहीं है, ये ग्रामर पैटर्न हमने अभी सीखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको एक लिसनिंग फॉर्म में सीख के चलते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप ग्रामर कवर कर लीजिए, थोड़े रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, फिर इस लिसनिंग को स्टार्ट कीजिए, या फिर पहले ही लिसनिंग स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं. चॉइस इज़ योर्स, इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इट्स कम्प्लीटली आई थिंक कन्वीनियंट है आपके लिए. तो देखते हैं इसको, मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा. चोकाई में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है. आपने इसलिए मैं कहता था कि आप हमेशा ना जब भी जो चीज़ बोलते हो, जो चीज़ पढ़ते हो, उसको बोल बोल के आपको रिवाइज़ करना है, ताकि आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे, जापनीज़ आपको सुनने की प्रैक्टिस हो, और यही चीज़ आपको लिसनिंग में पता चलेगी कि लिसनिंग में कितना ज़रूरी है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ. सुनना होता है और ऑप्शंस को देख के एक चूज़ करना होता है, आपको पता ही है, लेकिन इसको टेक्निक क्या है कि
सुनते सुनते ऑप्शंस पर भी नज़र रखिए, अपना दिमाग भी दौड़ाइए थोड़ा सा। जैसे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो बारिश को क्या कहते हैं, आमे कहते हैं, तो पहले से ही सोच के रखिए ये सब चीज़ें। चलिए, और इससे एक और चीज़ आपको अभी सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग लगभग ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो का हनाशते मास, यानी कि एक फीमेल और एक मेल बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आपको एक्चुअल एकदम करेक्टली रिकॉग्नाइज हो पाए कि ये बात किसने बोली है। अगर दो लेडीज़ ही होंगी या फिर दो लोग मेन होंगे तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, इसकी इसलिए ज़्यादातर ओन्ना ओतोको आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों ही लेडीज़ होती हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग का फॉर्मेट आपको आई थिंक याद हो गया होगा, ये हमेशा ऐसा ही आएगा ज़्यादातर, कि ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो का हनाशते मास, मेल और फीमेल बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सुनते हैं।男の人はどうしますか？जी, तो क्वेश्चन है ओतोको नो हितो वा दो शिमास का, मेल पर्सन क्या करेगा। और इसमें एक और छोटी सी और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पूछा जाए मेल क्या करेगा, जैसे आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा है, तो फोकस ध्यान ज़्यादा जो है मेल क्या बोल रहा है उस पर रखना है। चलिए तो आगे सुनते हैं। あ、雨が降ってきましたよ。तो लेडी कह रही है आमे गा फुत्ते किमाश्ता यो, आमे पता है हमें रेन होती है, फुरी मास भी हमने सीखा है, तेफोम भी सीखी है, फुत्ते किमाश्ता, किमाश्ता मतलब आ गई है, आ गई है का मतलब है कि बारिश बरसनी शुरू हो गई है।雨ですか。困ったな。तो ए सुनते ही हमें समझ आया वो थोड़ा हैरान हो गया है, अरे बारिश कोमाता ना, कोमाता आपने ये पढ़ा होगा, ये होता है कुमारी मास, कुमारी माश्ता, कुमारी माश्ता का मतलब होता है अरे अब हम फंस गए, या ये तो बड़ा ट्रबलसम काम है, ये बड़ी परेशानी का काम है।傘が。私も傘がないんです。तो अब हमें समझ आया कि ट्रबलसम क्यों है, क्योंकि मेल पर्सन कहता है कासा गा, छतरी, यानी कि छतरी नहीं है। तो लेडी उसको रिप्लाई करती है, रेस्पॉन्ड करती है, वाताशी मो, मैं भी, कासागा नाइन दिस, मेरे पास भी छतरी नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, どうしますか？दो शिमास का। अब आप क्या करोगे, タクシーで帰ります。टैक्सी से वापस जाऊंगी, कायरीमास मतलब वापस जाना,一緒に帰りますか？ईशो नहीं, ये भी हमने बार बार सीखा है, साथ में, मेरे साथ में, कायरी मास, यानी कि वापस चलोगे क्या, पूछ रही है वो, मेरे साथ में वापस चलोगे क्या। そうですね。私はバスがあるから。तो सो दिस ने भी हमने सीखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन को डिसाइड करने के लिए कोई चीज़ सोच रहा होता है, सो दिस ने, यानी कि वो डिसाइड कर रहा है, सोच रहा है, उसके बाद वो कहता है वाताशिवा बस गा अरुकारा, बस मतलब मेरे पास बस है, एक तरह का कहने का मतलब है कि मेरे लिए बस है, यानी कि बस से ही जाऊंगा मैं, बस で帰ります。बस दे कायरीमास, मैं बस से ही वापस जाऊंगा। そうですか。では失礼します。सो दिस का, तो ये सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि वो कहती है कि अच्छा ऐसा क्या, शित्सरे शिमास, इसका मतलब मैंने आपको कई बार सिखाया है कि बाय बाय होता है फॉर्मल ओकेजन पे, जब आप बाय बाय आई विल टेक योर लीव बोलते हैं तो होता है शित्सरे शिमास।男の人はどうしますか？तो देखिए आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया है कि ओतोको नो हितो वा दो शिमास का, मेल पर्सन जो है वो अब क्या करेगा। तो अब आपको इसी फोटोग्राफ को देख के चुनना है, देखिए जैसे कि फोर्थ में उसने छतरी पकड़ी हुई है तो ये गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला ये मेरे पास नहीं है छतरी। सेकंड में जो है टैक्सी है, कैसे पता चला टैक्सी है, क्योंकि वन और टू को हमने कंपेयर कर लिया कि वन में बस है और फर्स्ट सेकंड में टैक्सी है, तो टैक्सी से तो लेडी जाएगी, वो नहीं जाएगा, तो इसका आंसर है वन, क्योंकि वो बस से जाएगा, उसने क्लियर क्लियर बोला है। तो इसी तरह से आपको चौकाई निकालनी है, इजी है, इसको आप मुश्किल मत समझिए कि बहुत मुश्किल है, इजी होता है, इसको रिपीट करने से जो है ये थोड़ा बहुत जो आपको मुश्किल लग रहा है वो आसान बन जाता है। फॉर्मेट समझाने भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन का मतलब है कि फॉर्मेट का मतलब है कि डिज़ाइन, जैसे JLPT में डिज़ाइन बना के आता है उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आगे के लिए बता देता हूँ कि आप पेशेंस रख के धीरे धीरे चौकाई को करिए, रिपीट कीजिए, और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पहले खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है उसके बारे में बता देता हूँ, वो एक रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहा जाता है,
कि आपको रिस्पांस पता लगाना है। इसमें तीन ऑप्शन होंगे, चार ना होकर के तीन ऑप्शन होंगे, और ज़्यादातर में सिर्फ बोल के ही आपको बताया जाएगा कि क्योंकि रिस्पांस बोला ही जाता है, तो बोल के बताया जाएगा कि इसका रिस्पांस क्या है। जैसे किसी ने बोला आरिगातो गोज़ाइमास, तो इसका रिस्पांस होता है दो इताशिमाश्ते, यानी कि यू आर वेलकम। तो सिंपल ही होगा, इसकी प्रैक्टिस जो है आप ग्रीटिंग्स में या फिर पहले के टेक्स्ट से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट चोकाई से ही प्रैक्टिस को अपना पक्का कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। तो इसी तरह से आने वाले वीडियोस में पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में धीरे धीरे करके हम जापानीज लैंग्वेज को इंटरमीडिएट और एडवांस तक लेके जाएंगे, और साथ साथ आपको मैं ये भी सिखाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे N1 जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें भी चोकाई या दोकाई, कॉम्प्रिहेंशन या लिसनिंग, इनको तेज़ी से सीखने के क्या तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एडवांस की बात करें, तो एडवांस में बहुत तेज़ जो अनाउंसमेंट होती है, जैसे ट्रेन्स में अनाउंसमेंट, तो उसको भी किस तरह से आप एक ही बार सुन के ट्रांसलेट कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।